एक दुष्यंत ने बयान दिया था भी जो किसान बैठे हैं वो सरपंची और जिला परिषद के चक्कर में बैठे हैं। मैं उस कमीन दुष्यंत का कहना चाहूँ, मां तो वो किसान है जो 50 का टेम्परेचर में टोला पे बैठे और टिकरी बॉर्डर पे बैठे है। मैं तो मेरे ताऊ से भी अपील करना चाहूँ, ताऊ तम इलेक्शन लड़ियो और वो इलेक्शन लड़ियो जो बॉर्डर पे और टोला पे बैठे है, और ईसा ने इलेक्शन लड़वाइयो जिसका बेचारा का ब्योत भी ना हो और अपने किसान भाई उसका सहारा लावे। और एक ताऊ मेरी गलतियों मैंने माफ भी कर दियो, दो दो पतला अपना बिक दियो ताऊ ही उन्हें की वजह था पाड़ा बैठे आज। और हकीकत बताऊं ताऊ, क्योंकि अपने गामा का माहौल इतना खराब है, दारू का मारे लोग अपने वोटों ने बेचे है, अपना वो काम छोड़ना है। और जो मेरी ताई है बेचारी इलेक्शन अंदर नू डरन लग जाए, नू सोचेगी बिरन पीक आवेगा के कुकर आवेगा, अपना वो काम छोड़ना ताऊ, बस वो इलेक्शन में वो ठाणा है जो किसान है और जिसका ब्योत ने अपना सहारा लाना है उस किसान का, क्योंकि अपनी कौम इतनी गंदी कौम होली है जो किसी का अपने वो मिठी गोली भी देता है उसकी बकाया मैं जाए ना, तो अपने जेजेपी ना बीजेपी का कोई भी बता मैं नहीं आना, क्योंकि यह सरकार अपने फिर बढ़ोगी, क्योंकि यह टेम इतना गंदा है, क्योंकि यह 3 साल पड़ी है अपने टेम आने पर अपने फिर वो काम करेगी। मेरे सारे किसान ना थे और मेरी नारी शक्ति से भी अपील है की जेजेपी बीजेपी का अपने बहिष्कार करके ना ही ना कोई इलेक्शन उठाओ और ना इनका कोई आगे बढ़ दे। मेरी एक बार मेरी नारी शक्ति एक बार जोरदार नारी शक्ति इनकलाब इनकलाब किसान एकता, क्योंकि जो आज आजादी की दूसरी लड़ाई है जो भगत सिंह और लक्ष्मी बाई ने अधूरी छोड़ दी थी, वो दूसरी मतलब आजादी की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। क्योंकि कल तक हमने जो लड़ाई लड़ी थी वह गोरे अंग्रेजा के लिए थी, इब काले अंग्रेजा के लिए है। और मैं यह बात कहना चाहूँ मेरे काके ताऊ मेरी मातर शक्ति, कि यह लड़ाई अपनी आखिरी लड़ाई हो, क्योंकि अपने 75 साल हो गए लड़ते और हमने कोई ठेका को ले क्या इस लड़ाई लड़न का, भाई वोट हम देवा सपोर्ट हम देवा झंडे हम थावा और तप्पड़ा हम बिछावा। इब आखिरी में तप्पड़ा हमने करा सरकार का भी छाड़ा पड़ गया और सरकार का तप्पड़े नुए को निठानते अच्छी तरह 13वीं 17वीं जो कुछ हो अगर अपना समाज में सारी करके, और इस सरकार ने गहल गए इस जोड़ा में खूंटिए टांगनी पड़ेगी। अच्छा इसमें पक्ष हो अच्छा विपक्ष हो, अपने नो को नहीं का कांग्रेस ही जे ये कांग्रेस ही अपना विपक्ष का पूरा काम करे है नी, अपने रोड पे बैठने की जरूरत को नहीं। आज का टाइम अपना कोई नहीं, अपना है जो लोग हैं जो सिर्फ टोला पे बैठे हैं या दिल्ली के टोला पे बैठे हैं और अपना कोई को नहीं, सारे नो बांट देखने लग रहे हैं कोई सी है कांवर मूल लोगों के भीतर बड़ा है, अपना हरना को नहीं चलना अपना 2024 तक पड़ जो धीरे धीरे चल पड़ा पर मंजिल पै के चलेंगे। सरकार तो हारी बैठी है, बस आपने थोड़ा सा और हौसला, क्योंकि आपने जो 40 नेता बैठे हैं नी उनकी एक वैक्सीन बना ली सरकार के थर, और वैक्सीन भी बढ़िया वाली बना रखी है, एक डोज तो दे दी बंगाली इलेक्शन में, दूसरी डोज इनकी यूपी इलेक्शन में दे जाएंगे और तीसरी माह पे पक्का इलाज करांगे, क्योंकि सरकार ने हमारे द्वारा पक्का इलाज की कोई गारंटी नहीं, हम वैक्सीन देवा भाई 80% 86% हम ही सरकार ने नुकवा हाँ भाई हम देवा तो हमने 210 की मतलब गारंटी, हम तारा पक्का इलाज करांगे, मारी जो वैक्सीन हम लावांगे नी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और तारा इलाज पक्का वाला होगा और बोर्ड का या बीमारी नहीं आवेगी तारे, क्योंकि बीमारी नो को नहीं आवे आपे हो गए जागरूक, आपने बेरा पट गया वोटर नोटर सपोर्ट किस तरह करनी है, एक मेंबर तक लेकर एक सरपंच तक लेकर एक एमएलए तक लेकर एक एमपी तक वो आदमी चुनना आपने ही पे, जिसकी आप एक फोन करा भाई दिल्ली चलना है सबसे पहले ट्रैक्टर में बैठ कर 50 आदमियों ने गेला लेकर दिल्ली कहना मुंह कर ले नहीं आपने वोट कौन देने, और यहाँ अंधभक्त तो बाट देखा हम कोई आ रहा आरना को नहीं, जिस तरह मैदान में डट रहे हो नुए डटे रहो एक दिन जीत का डंका बजाया कहना, और इस अपनी मातृ शक्ति ने चूम कहना आजादी की दूसरी लड़ाई ने जीत कहना उस दिन अपना घर का रुख करेंगे, नहीं तो मरना मंजूर है घर जीते जी वापिस नहीं बढ़ते। जय हिंद जय जवान, मेरे तक कोई गलती हो गई तो मेरे का कहता हुआ माफ करना,